अगर हम किसी बॉडी को अर्थ सरफेस से बहुत ऊंचाई पर ले जाएं, तो उसका वेट कम हो जाता है क्योंकि वहां पर स्मॉल जी की वैल्यू कम हो जाती है। स्मॉल जी की मैक्सिमम वैल्यू होती है अर्थ के सरफेस के ऊपर। अर्थ के सरफेस से अगर डेप्थ में चले जाएं, गहराई में चले जाएं, तो भी इसकी वैल्यू कम हो जाती है, और अगर हाइट पे चले जाएं तो भी इसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो एच हाइट पर पहुंचने के बाद इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है ये देखेंगे इस वीडियो में। तो हम कंसिडर करते हैं कि एक बॉडी है, इसका मास स्मॉल लेटर एम है और अर्थ का मास है कैपिटल लेटर एम, और अर्थ का ये सेंटर है, और सेंटर से इस मास की डिस्टेंस वही होगी जो इस अर्थ का रेडियस होगा, तो ये मान लिया कैपिटल आर है। अब इस बॉडी के ऊपर अर्थ की वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा वो होगा इन दोनों के मास का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई इन दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द मास एम ये हो जाएगा जी एम एम अपन आर स्क्वायर। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, ये सेंटर से इस मास की जो डिस्टेंस है। अब हम फोर्स को लिख सकते हैं मास इंटू एक्सीलरेशन, क्योंकि इसके ऊपर ही फोर्स एक्ट कर रहा है, तो इसी बॉडी का मास इंटू एक्सीलरेशन लिखेंगे तो ये हो जाएगा स्मॉल एम इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये एम और ये एम दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो स्मॉल जी की वैल्यू हो जाएगी जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये हमने इक्वेशन वन मान ली, तो यहाँ सरफेस के ऊपर हमें पता हो गया जी की वैल्यू जी एम अपॉन आर स्क्वायर होता है, यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इस अर्थ का मास अपॉन इस अर्थ का रेडियस, यानी कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। अब इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखना चाहते हैं किसी हाइट के ऊपर, तो यहां से इस मास को लेगा हम इस हाइट के ऊपर, मान लीजिए कि ये बीच की डिस्टेंस एच है, तो अब इस बॉडी की डिस्टेंस इस सेंटर से हो जाएगी इसका ये रेडियस अर्थ का प्लस ये हाइट, यानी आर प्लस एच। तो वैल्यू ऑफ जी एट हाइट एच फ्रॉम द अर्थ सरफेस, हमने मान लिया कि ये जी एच है, तो जी एच की वैल्यू क्या होगी, आपकी ये डिस्टेंस जो आर स्क्वायर है यहां पर आर प्लस एच का स्क्वायर हो जाएगा बस। तो ये इक्वेशन टू हो गई, इक्वेशन टू को इक्वेशन वन से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा जी एम अपन आर प्लस एच का स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी एम अपन आर स्क्वायर। तो मैथमेटिकली इसको ऐसे लिखेंगे जी एम अपन आर प्लस एच का स्क्वायर इंटू इसका रिसिप्रोकल, यानी आर स्क्वायर अपॉन जी एम, तो जी एम कैंसिल हो गया और हमें मिल गया आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर। अब हम इसमें से अगर आर कॉमन निकाल लें इन दोनों में से, तो यहाँ तो वन बचेगा और यहाँ पर एच अपॉन आर हो जाएगा, इस तरह से आर स्क्वायर अपॉन आर वन प्लस एच अपॉन आर, इस पूरे का होल स्क्वायर। तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं कि आर स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ऐसे लिख देते हैं आर स्क्वायर वन प्लस एच अपॉन आर का स्क्वायर। अभी आर स्क्वायर और आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये जो डिनोमिनेटर में है इसको जब हम न्यूमिनेटर में ले जाएंगे तो इसकी पावर माइनस टू हो जाएगी, तो इसको लिख सकते हैं वन प्लस एच अपॉन आर की पावर माइनस टू। तो ये वैल्यू है जी एच अपॉन जी इजिकल टू वन प्लस एच अपॉन आर की पावर माइनस टू, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जी एच की वैल्यू मिल जाएगी जी वन प्लस एच अपॉन आर की पावर माइनस टू। अब यहाँ यूज करेंगे बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है पहले ये समझ लेते हैं, वन प्लस एक्स की पावर के इजिकल टू वन प्लस के एक्स प्लस के माइनस वन, वन इंटू टू एक्स की पावर टू प्लस के माइनस वन के माइनस टू अपन वन इंटू टू इंटू थ्री एक्स की पावर थ्री, ऐसे ही आगे होगा के माइनस वन के माइनस टू के माइनस थ्री अपॉन वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर और एक्स की पावर फोर, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर देखिए वन प्लस एच अपॉन आर पावर माइनस टू, इसको सॉल्व करना है तो देखिए वन की जगह वन है, एक्स की जगह पर एच अपॉन आर है और के की जगह माइनस टू है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं वन की जगह पर वन
की जगह के ऊपर माइनस टू और x की जगह h अपॉन r। ऐसे यहां भी k की जगह माइनस टू और ये x की जगह पर h अपॉन r। अब देखिए यहां पर इस स्टेप को देखिए, h अपॉन r का होल स्क्वायर। तो h की वैल्यू अगर कम है r से, बहुत कम है, क्योंकि h हाइट जो हम कंसिडर कर रहे हैं ये 1 किलोमीटर हो सकती है, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर तक लेंगे, लेकिन r की वैल्यू जो होती है वो 6400 किलोमीटर होती है। बहुत बड़ी वैल्यू है ये h के सामने। तो h बहुत ही छोटा है r से, तो यहाँ पर वैल्यू बहुत छोटी मिलेगी। जब उसका स्क्वायर करेंगे तो और भी छोटी वैल्यू मिलेगी, तो इसको निगलेक्ट कर देंगे। और इस जगह पर देखिए वैल्यू और भी छोटी, यहाँ क्यूब है तो और भी छोटी वैल्यू होगी, तो हमको सिर्फ यहाँ पर ये वैल्यू मिलेगी। तो इसको सॉल्व करके लिख लेते हैं, ये प्लस माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा और 2h से मल्टीप्लाई होकर 2h हो गया। तो इस पूरे स्टेप का 1 + h अपन r के पावर माइनस 2, इसे सॉल्व करके मिला 1 - 2h अपन r। तो इसको यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा gh इज इक्वल टू g 1 - 2h अपन r। ये था अर्थ के सरफेस से h हाइट के ऊपर स्मॉल g यानी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू।